मंगलवार की रात्रि 9 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहा, जिसके तहत विजय चौराहा, बैंक रोड, बख्शीपुर, जुबली रोड सहित अन्य चौराहों पर नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला। इस दौरान पुलिस वाहनों की चेकिंग कर नाइट कर्फ्यू का पालन कराते दिखी, जिसके संबंध में SPCT सोनम कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना होगा, तभी इस महामारी से छुटकारा मिल पाएगा। इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक सड़कों पर ना घूमें, नहीं तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT सोनम कुमार ने कहा। हेलमेट मास्क मौजूद है अच्छा भवन जी, बताइए हेलमेट नहीं लगाए हैं आप, बिना हेलमेट चल रहे हैं? हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए बताया जा रहा है, उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है सर। अगली बार से ऐसा मतलब गलती नहीं हो रही है, उसके लिए हम सॉरी। हेलमेट लियो कहाँ के लिए? हेलमेट लियो नहीं है जी, बताओ हेलमेट कहाँ के लिए? जितने भी गाड़ी खड़ी करो, हेलमेट लियो तब भी नहीं पाने हो। हेलमेट पास समय जो अपनी सेफ्टी के लिए लगाया जा रहा है। अरे अचानक गांव से उनको कुछ पता भी नहीं, भर्ती कराएंगे कहाँ? अरे डॉक्टर दिखी तुरंत भाग आ रहे हैं। हेलमेट है तुम्हारे पास, मास्क कहने में लगाओ, देखो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अरे सही लोग कोशिश नहीं नहीं सर, आपकी 16 आना बात सही है, थोड़ा सा कुछ आप अलग उलझन में हैं, उस उलझन से के चक्कर में बात करते हुए हम लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा भूल गए, थोड़ा एक अलग उलझन हो गया है परिवार में। अच्छा उलझन का क्या करें हम लोग, आपने भी तो सेफ्टी रखना है, वो ठीक है वो सर। हम रात्रि कर्फ्यू 9 बजे से लागू है, सभी दुकानदार और जो भी अपने ऑफिस वगैरह में कार्य करते हैं या जो मार्केटिंग के लिए निकलते हैं, सब लोग अपने घरों में 9 बजे के पहले ही पहुंच जाएं, तो उससे अनुपालन करना आसान होगा। 28 जगहों पे बैरियर लगाया है हमने, और वहाँ पे CO SHO चौकी इंचार्ज सबकी ड्यूटी लगाई गई, सब लोग भ्रमणशील रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि रात्रि कर्फ्यू के बाद कोई भी बेवजह घूमता ना मिले।